यादव से बिहार के पत्रकारों को पूछना चाहिए कि राजनीति करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा। जीवन खपा देंगे फिर भी जवाब नहीं मिलेगा कि चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाने का पैसा कहाँ से आया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि एक बार इस बार जदयू राजद से भी जरूर पूछिएगा, वहीं फुटेज हमें भी दिखाइएगा। इसमें आप तेजस्वी यादव से पूछ रहे हो कि राजद को राजनीति करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, अपना बर्थडे चार्टर प्लेन में मनाने के लिए पैसा कहाँ से आता है, नीतीश कुमार को धंधेबाजी करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। ये सवाल आपने नीतीश कुमार से पूछा होगा तो मुझे बहुत खुशी होती। आपने मुझसे यह सवाल पूछा, सवाल पूछना आपका हक है और जवाब देना हमारा, लेकिन ये सवाल सबसे मांगा जाना चाहिए। दूसरे लोग जवाब ना भी दे तो मैं भी जवाब दूंगा। पत्रकार होने के नाते आप गिरिराज सिंह से भी ये सवाल पूछिएगा, डॉक्टर तनवीर से भी सवाल पूछिएगा और नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी ये सवाल पूछिएगा कि राजद और जदयू को पैसा दे कौन रहा है। जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा। बिहार में ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि वो जन स्वराज को पैसा दे रहा है। लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से आप ये सवाल जभी जीवन में कभी नहीं पूछ पाइएगा, क्योंकि वे आपको पूछने नहीं देंगे। कम से कम उनके जिला अध्यक्षों से पूछिए कि उनके पास मेरे पैसा भाई कहाँ से ऐसा आता है, है। आप आपने कहा कि आप हमको सुनते रहे हैं, आपने सुना नहीं है कभी, क्योंकि जिस दिन से हम ये पदयात्रा चला रहे हैं उस दिन से हर प्रेस वार्ता में आप पहले बेतुका पूछने वाले नहीं हैं। ये बेतुका सवाल नहीं है, तो बिल्कुल सही सवाल है। हर पत्रकार, हर प्रखंड में पत्रकार वार्ता में लोग ये पूछते हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है। उसका जवाब ये है कि ये पैसा वहां से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्षों में हमने राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद की है, कंधा लगाया है। आज इस देश में 5 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां उन लोगों की सरकारें हैं जिनको सरकार बनाने में, जीतने में हमने कंधा लगाया है। कई लोगों को यह लगता है कि अच्छा जिस पार्टी को जिताया है वो पैसा दे रहा है। नहीं, पैसा वो कोई नेता नहीं देता है, कोई दल नहीं देता है, लेकिन जिस राज्य में भी आप किसी को सरकार बनाने में मदद करेंगे उस राज्य में सैकड़ों ऐसे लोग होते हैं जो प्रशांत किशोर को जानते हैं, जिनको हमारी समझ पर भरोसा है, जिनको हमारे प्रयासों में यकीन है, लोग वो मदद कर रहे हैं। तो उन राज्यों में जहां मैंने काम किया पिछले 10 साल में, जहां की व्यवस्था को, सरकार को बनाने में हमने कंधा लगाया, उस व्यवस्था से, उन दलों से, उन नेताओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग पैसा दे रहे हैं और उसी पैसे से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। एक बात आप ये बेतुका सवाल, एक ये बेतुका सवाल अगली बार जदयू से और राजद से भी जरूर पूछिएगा। पत्रकार और मास कॉम के एथिक्स की आपने बात की है, मैं एक बार अपना फुटेज हमको दिखा दीजिएगा जिसमें आप ये पूछ रहे हो तेजस्वी यादव से कि राजद को राजनीति करने के लिए पैसा कहां से आता है, अपना बर्थडे एरोप्लेन चार्टर्ड प्लेन में मनाने के लिए पैसा कहां से आता है, नीतीश कुमार को धंधेबाजी करने के लिए पैसा कहां से आता है। ये सवाल अगर आपने नीतीश कुमार से पूछा होता तो मुझे और खुशी होती, लेकिन आप हमसे सवाल पूछिए, आपका हक है, हमको जवाब देना भी चाहिए, लेकिन ये जवाब सबसे मांगा जाना चाहिए, सिर्फ जनसुरा से। दूसरा न दे तो भी मैं दूंगा, सुनिए, दूसरा कोई न जवाब दे फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन पत्रकार होने के नाते आप गिरिराज सिंह से भी पूछिएगा, यहां पर डॉक्टर तनवीर से भी पूछिएगा और नीतीश कुमार, लालू यादव से भी पूछिए, तेजस्वी यादव से, कि आप लोग जो राजनीति करते हैं, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि दूसरे राज्य में जिसका मदद किए थे वो पैसा दे रहा है, और बिहार में तो कम से कम कोई खड़ा होकर माइक लाल नहीं कह सकता है कि हमने 1 रुपया भी किसी से लिया है जीवन में, लेकिन राजद और जदयू को पैसा कौन दे रहा है, इस पर भी मैं सोचता हूं कि पत्रकारों को इतनी हिम्मत तो जरूर होनी चाहिए कि एक बार पूछ के तो दिखाइए। जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा, सुनिए, ऐसा है, जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाइए। लालू, नीतीश, तेजस्वी से तो आप पूछ भी नहीं पाइएगा क्योंकि वो आपको पूछने नहीं देंगे, कम से कम उनके जिला अध्यक्षों से पूछिए कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आया। आपका जवाब एक सकारात्मक पहलू है, यह जवाब सवाल जानबूझकर पूछा गया था।